बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। बड़ी अदालत, बड़ी समाअत, इलेक्शन अजहद जरूरी, फैसे में उभाम नहीं, बड़ा इस्तीफा मंजूर, कप्तान को जमानत मिल गई, और क्लीन स्वीप से बच गए। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे। अमेरिका ने जरमे खलीजात के बयानात को जाती ख्यालात करार दे दिया है। अमेरिकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान दयान पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जरमे खलीजात आम शहरी हैं, उनके बयानात जाती हैसियत में हैं। जरमे खलील के बयानात का अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक नहीं है। जरमे खलील का बयान इंतजामिया की नुमाइंदगी नहीं करता। राना सनाउल्ला की धमकियों पर साफी के सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि तशद्दुद, हरासानी या धमकी का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। सियासी फरकीन को कानून की इज्जत करने की हौसला अफजाई करते हैं। अवाम को आईनी और जमहूरी तरीके से रहनुमाओं का इंतखाब करने दिया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में ताखीर क्यों? सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत आज दोबारा होगी। समाअत सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। अदालत के अहकाम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे और दोनों सूबों के गवर्नर्स हाजिर होंगे। इससे कबल समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पंजाब और केपी के इलेक्शन का इल्तवा, पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। गवर्नर्स को भी बजरिया चीफ सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिया गया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल उठाया, देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है या नहीं। जब तक फरीकैन राजी न हो, हवा में फैसला नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का कहना था कि मौजूदा हिजानी सूरत हाल पर नजर है। किस कानून के तहत इलेक्शन की तारीख बदली? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल साहब, आप सुन लें, अमन कायम करना आपकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बुनियादी हुकूक का मामला भी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि आईन में निगरान हुकूमत की मुद्दत है, क्या इंतखाबात में तौसी हो तो निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी नहीं होगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि निगरान हुकूमत का मकसद इंतखाबात होता है जो 90 रोज में होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का मौकिफ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है, क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौकिफ में तजाद नहीं है? जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि अदालती फैसले में कम से कम ताखीर पर तारीख देने का कहा गया था। सदर मुमलिकत ने अदालती फैसला पढ़कर तारीख दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात हमारे गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए अहम है। आर्टिकल 218 इंतखाबात के साफ शफाफ इंतखाबात की बात करता है। खबरों में आगे देखिए, हुकूमत से जवाब तलब। राना सना के इमरान खान को धमकियां, इलेक्शन मुहिम में रुकावटें। पीटीआई रहनुमाओं ने वज़ीर दाखला को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को तलब करे, पूछा जाए कि इलेक्शन कराने हैं या नामजदगी पर चलना है। हुकूमत नामजदगियों पर चल रही है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। असद उमर बोले कि इमरान खान को हिरासत किया जा रहा है, इलेक्शन मुहिम से जैसे रोका जा रहा है। इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का कत्ल की धमकियां दे रहा है, वहाँ क्या माहौल ठीक होना है? हमें जो है ये राना सनाउल्ला या ये जो धमकियां हैं, ये पाकिस्तान में तरीके इंसाफ को डेटर नहीं कर सकती। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। 29 तारीख को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन है, हम उसकी पूरी हमायत करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के आइन को ना बचा सके तो फिर कुछ भी नहीं बच सकेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के चेयरमैन के ऊपर, पाकिस्तान के साबका वजीर आजम के ऊपर आप सेंचुरी बना दें झूठे केसेस की, मुकदमात की, जहाँ पे हजारों कारकुन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तरीके इंसाफ के नजर बंद कर दिए जाएं, गिरफ्तार कर दिए जाएं और मजीद हजारों के घर पे छापे पड़ रहे हों, हमें एक आजादाना साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आ रहा। अदालत से दो नहीं एक ही फैसला आया है। जो दो जजेस पहले बेंच को छोड़ गए थे, उन्होंने केस सुना ही नहीं। फैसला वही है जो पहले मुख्तसर फैसला सुनाया गया था। सीनियर कानूनदान एतजाज हसन की बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगु। इलेक्शन से मुतालिक अदालत के फैसले में 5 जजेस ने दस्तखत किए, फैसले में किसी किस्म का कोई भाव नहीं।
फैसला एक है, दूसरा फैसला नुमा है, फैसला नहीं है। जो फैसला लिखा गया था पांच जजेस ने, जिसको उसके दस्तखत किए हैं और चीफ जस्टिस की सरबराई में, और चीफ जस्टिस ने उस फैसले का पहला ही जुमला यह लिखा कि भाई ये मेजोरिटी ऑफ 3-2, पांच जजेस ने केस सुना आखिर में, जो आखिरी मरहला था वो, और बाकी खुद छोड़ गए थे, खुद रिक्यूज कर गए। फाइनल हियरिंग जो हुई उसमें पांच जज बैठे थे, कोई उस कमरे में गया बैठा हो जो उन तीन दिनों में जो वो बहस होती रही और वो केस आता रहा, कोई बैठा हुआ, कोई आपको मिला जिसने कहा था वहां सात जज बैठे हुए, पांच नहीं बैठे हुए, बैठे ही पांच थे, सुना ही पांच ने, जिसने सुना वही फैसला दे सकता है फाइनल। तो इसमें कोई भाम नहीं है, ये तीन जजेस का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैरिस्टर शहजाद अता इलाही का अटॉर्नी जनरल के अहदे से इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मंसूर उस्मान रिवान की बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। आरिफ अलवी ने तैनाती और इस्तीफे की मंजूरी आइन के आर्टिकल 100 के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 7 मुकदमात में 6 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान की बतौर साबिक वजीर आजम सिक्योरिटी वापस लेने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान पर एक मरतबा हमला हो चुका है, सिक्योरिटी खदशात हैं जो जेन्युइन होंगे। साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस लेकर गलत काम किया गया। इमरान खान पर एक मरतबा हमला हो चुका है, सिक्योरिटी खदशात है जो जेन्युइन होंगे। साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी वापस लेकर गलत काम किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इमरान खान के 7 मुकदमात में 6 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI की सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। अदालत ने इस्तफसार किया, आप ट्रायल कोर्ट को क्यों बाईपास कर रहे हैं? वकील ने जवाब दिया कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट से 18 मार्च को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स गए थे लेकिन दाखिल नहीं होने दिया गया। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, अगर हजारों लोग आ जाएंगे तो फिर अमा की सूरत हाल तो पैदा होगी, आपने ही इस सूरत हाल को बेहतर बनाना है। इमरान खान के वकील ने कहा, हम किसी को कॉल नहीं देते, लोग खुद आ जाते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो कुछ 18 मार्च को हुआ वो गलत था। हमारे मद्देनजर है कि आप बड़ी सियासी जमात के सरबरा हैं जिनके फॉलोअर्स भी हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, इनको सिक्योरिटी हुकाम से ताबुन करना चाहिए, ये 4-5 हजार लोग लाते हैं, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का दरवाजा तोड़ा गया, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल करें। दौरान समाअत इमरान खान रोस्टम पर आए और बोलने की कोशिश की, चीफ जस्टिस ने बात करने से रोकते हुए वापस निश्चित पर बैठने की हिदायत कर दी। मुकालमा किया, सिक्योरिटी का मसला हल होने तक आपका केस यहाँ सुनेंगे, हतमी तौर पर आपको जमानत के लिए जाना इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ही पड़ेगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की बतौर साबिक वजीर आजम सिक्योरिटी वापस लेने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला की धमकियों पर इमरान खान ने करारा जवाब दे दिया। कमरे अदालत में सहाफी के सवाल पर इमरान खान बोले कि राना सनाउल्ला की क्या हैसियत है, किसका नाम ले लिया, ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, अगर एक को रहना है तो वो नहीं रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है कि हुकूमत इलेक्शन कराए। ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, अगर एक को रहना है तो वो नहीं रहेंगे। राना सनाउल्ला की धमकियों पर इमरान खान का करारा जवाब। हुकूमत से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर चेयरमैन PTI की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुल्की सियासी सूरत हाल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। सहाफी ने वजीर दाखिला के बयान से मुतालिक सवाल पूछा। कप्तान बोले, राना सना की क्या हैसियत है, किसका नाम ले लिया। इमरान खान ने कहा, सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है कि हुकूमत इलेक्शन कराए। जो एम्पायर को साथ मिलाकर खेलते रहे हों उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या पता होगा, अगर आज नामालूम पीछे हो जाएं तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बाजवा क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ 40 मिनट तक झाड़ खाते रहे। उन्होंने कहा, मुल्क में अब रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है, अजहर मशवानी को अगवा किया गया, हसन की जमानत हुई उसे फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया।
मुज़ाकरात का मुखालिफ कौन, हुकूमत या पीटीआई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीगी रहनुमा आमने सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी बोले इंतखाबात के लिए मिल बैठ कर बात कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत में खलल है। साथ रफी का जवाब, कहा जब तक खलीज इल्जामात लगते रहेंगे बातचीत नहीं होगी। तायुन होना है कि मुल्क ने किस सिमत आगे बढ़ना है, हमने जमहूरी कदरों को बढ़ाना है या खुदा न खास्ता डेमोक्रेसी को डी रेल करने पर तुले हुए हैं, और इस पर सबकी जिम्मेदारी। बात करने का माहौल नहीं है, और ये माहौल मैं बार बार कहूँगा तकरार से, हमने ख़राब नहीं किया, हमने हमेशा बात करने की कोशिश की है। हमने माजी में गलतियाँ की थी, हमने और पीपल्स पार्टी ने, हम सीख गए थे, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं पाकिस्तान की सियासी कयादत तदब्बर का मुजाहरा करे, आईन का जो तकद्दस है उसका एहतराम करे। जब सारी सियासी जमातें पसंद है या नापसंद है वो एक जगह पे बैठ के बात करें, एक जगह पे बैठ के बात करने का माहौल देंगे। हमने बहुत माजी में कोशिश की है, तो ये आ गया बैरूपिया बीच के अंदर, जब तक ये ज़मीन पर नहीं उतरता और इसके फॉलोअर्स उन्हें बात समझ नहीं आती तो कश्ती चकोले खाती रहेगी, बात इनको समझ आनी चाहिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ का एहतजाज, चैवान लाठी गोली की सरकी की सरकार नहीं चलेगी, इमरान तहरे जान इसार बेशुमार, जुल्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते के नारों से गूंज उठा। पीटीआई अरकान ने हुकूमती मजालिम के खिलाफ प्ले कार्ड उठाकर स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज किया। हुकूमती अरकान ने भी नारेबाजी की। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई सरापाए एहतजाज, प्ले कार्ड उठाकर ऐवान में स्पीकर डाइस के सामने नारे, ऐवान इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार के नारों से गूंज उठा। पीटीआई के सेनेटर्स ने ऐवान में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, जुल्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते के नारे लगाए। पीटीआई अरकान ने हुकूमती मजालिम के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाकर ऐवान में स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज किया। नारों के शोर में स्पीकर राजा परवेज अशरफ अराकीन को खामोश कराने की कोशिश करते रहे। प्लीज तशरीफ रखिए, ऑनरेबल सेनेटर से दरखास्त है कि अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। इस दौरान हुकूमती अराकीन ने भी नारे लगाना शुरू कर दिए, जिससे ऐवान मछली बाजार बन गया। ऐवान में शदीद हंगामा आराई और शोर की वजह से स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इजलास 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते है ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी है उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाएगा। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई, मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार, भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म, अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी इन कुर्सियों पर इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।